गोरखपुर के कैंट इलाके के पैडलेगंज स्थित राजवंशी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी नर्सिंग होम में मरीज की मौत पर शनिवार को हुए बवाल के संबंध में भारतीय चिकित्सा संघ ने सोमवार को गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर एक तरफा मीडिया रिपोर्टिंग पर IMA के अध्यक्ष AP गुप्ता ने कहा कि मीडिया समाज का आईना है, उसे चाहिए कि ऐसे समय पर घटनास्थल पर जाकर वहाँ उपस्थित चिकित्सकों व कर्मचारियों से बात करते हुए दोनों पक्षों के वक्तव्य को प्रकाशित करें। गोरखपुर न्यूज़ ने अपने मीडिया धर्म का पालन करते हुए अस्पताल के प्रतिनिधि राजीव प्रताप राव से बात की, जिन्होंने आरोपों का खंडन किया था। यह उनका वर्जन भी अपने कवरेज में दिखाया गया था, जिसको आज हम फिर आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। अलबत्ता विवाद के कवरेज के लिए गए गोरखपुर न्यूज़ रिपोर्टर से नर्सिंग होम के मैनेजमेंट की बदसलूकी की यह बात जब गोरखपुर न्यूज़ ने IMA से कही तो इस बदसलूकी पर IMA अध्यक्ष ने कहा कि ये गलत है और इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। मैं डॉक्टर AP गुप्ता हूँ, अध्यक्ष IMA गोरखपुर। ये प्रेस वार्ता हमने IMA के द्वारा हमारे शहर के एक सदस्य के अस्पताल में राजवंशी न्यूरो चिकित्सालय में एक मरीज की मौत होने के सिलसिले में जो 20 तारीख को हुई थी, उसी सिलसिले में हमने ये प्रेस वार्ता करना चाहा है। इस प्रेस वार्ता में IMA ने ये बताना चाहा है कि हमारे अस्पताल में हमारे सब चिकित्सकों के पास तरह तरह के रोगी आते हैं, बहुत सीरियस भी आते हैं, भर्ती होते हैं, ऑपरेशन होता है। हर रोग का सीरियसनेस अलग अलग होता है। उस दौरान जो है डॉक्टर तो तन मन धन से इलाज करता है, उसी बीच किसी मरीज की, सीरियस मरीज की कोई मौत होती है तो मीडिया और समाज डॉक्टर को हमेशा वो कर देते हैं, हाँ, दोष मानते हैं जो डॉक्टर से लापरवाही ऐसा हो गया, जो चीज़ नहीं होना चाहिए। भाई अस्पताल में मौत होती है, मरीज़ का सीरियसनेस कितना रहता है उसी के हिसाब से मरीज़ का बचना और अच्छा होना वो सब ऐसा होता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि यदि सीरियस मरीज का इलाज यदि IMA ना करे तो फिर, और हम लोग को कोई सुरक्षा ना मिले तो हम लोग जो है फिर सीरियस मरीज लेना बंद कर देंगे, जिसका असर पूरा समाज पर पड़ेगा, सारे लोगों पर पड़ेगा, जो अमानवीय है। लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग, हमारे सारे IMA की जो बातें हैं जो मीडिया में आता है, दोनों पक्ष की बात को सुन के मीडिया में लिखा जाए, जिससे समाज में डॉक्टर के विरुद्ध कोई मन ना बना ले कि डॉक्टर ने सही में लापरवाही करी। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ IMA अध्यक्ष होने के नाते, जो इस तरह का कहीं कोई बात नहीं है कि कोई डॉक्टर किसी को बुला के मरीज के परिजनों को मारपीट करवाएगा। यदि जो कार्य डॉक्टर करता और साबित होता है तो शासन प्रशासन इंक्वायरी करके उसको सजा दे। IMA का रुख बिल्कुल सख्त है, हम मरीज़ की हमेशा संवेदना दिल में रखते हुए उनका इलाज करते हैं। इस तरह की कोई बातें इसको कभी हम समर्थन नहीं करते, और जब कभी ऐसा कुछ होता है, यदि कहीं होता है, मुझे तो जानकारी में नहीं है, यदि कहीं ऐसा होता है तो ये ड्यूटी शासन प्रशासन की है, आप उसका इंक्वायरी करके प्रॉपर उसका जो है इंक्वायरी करके आप सजा दें। अगर कोई घटना घटित हो जाती है आपके अस्पताल में, मीडिया कर्मी अगर न्यूज कवरेज करने पहुँचता है तो उसे अस्पताल के डॉक्टर द्वारा धमकी दी जाती है कि अगर मेरे अस्पताल के खिलाफ लिखेंगे या जलाएंगे तो मैं आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगी। ये इस तरह की जानकारी तो हमें नहीं है, और अस्पताल में जब कोई घटना घटती है तो इतना प्रेशर होता है पेशेंट का, अटेंडेंटों का, जैसे उसी दिन जो है 200-300 लोग वहाँ उपलब्ध हो गए थे, तो इसमें ऐसा होता है कि कभी डॉक्टर को भाई दुर्व्यवहार भी कर सकते हैं मरीज़ के परिजनों, जो कि मरीज़ के बारे में खुद नहीं जानते हैं, बाहर के राह चलते लोग बहुत सारे आ जाते हैं, क्योंकि अपने देश में लोग बहुत फ्री हैं, कहीं कुछ बात होती है 2500 जने चले आते हैं। तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। और डॉक्टर नहीं मिलता तो आप किसी जो पदाधिकारी हैं हमारे IMA का, आप उनसे बात कर सकते हैं, वार्ता ले सकते हैं आप, और हमारे सेक्रेटरी प्रेसिडेंट या जो भी पदाधिकारी के हैं आप ले सकते हैं। किसी सदस्य के साथ कोई घटना घटती है तो हम लोग को पूरी जानकारी होती है, तो मीडिया जब चाहे हम लोग से उसका विस्तृत ब्यौरा ले सकते हैं, छापना चाहे छापें, लेकिन दोनों पक्ष की बात छापें जो है, जिससे समाज में डॉक्टर के प्रति कोई लापरवाही वाला या कोई डिसरेस्पेक्ट वाली बात ना जाए समाज, यही हम चाहते हैं। राजीव प्रताप राव,
पेशेंट कार्डिक अरेस्ट में चला गया है, उसी कारण घर वाले कॉल कर रहे हैं। डॉक्टर कभी लापरवाही नहीं करता है, डॉक्टर अपना काम करता है, हर पेशेंट को बचाने की कोशिश करता है। परिजनों के साथ मारपीट भी की गई है अस्पताल जी? ऐसा कुछ नहीं हुआ हमने किसी को नहीं बुलाया था, मरीज को देख रहे थे हम, मरीज को देख रहे थे, मरीज की हम बुला के समझा रहे थे, उसी समय सब चीज़ें घटना घटित हुई हैं, सारी रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हैं।